नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर बाराबंकी से है, जहां शिक्षा क्षेत्र हैदरगढ़ का प्राथमिक विद्यालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला जनपद की तहसील हैदरगढ़ थाना क्षेत्र सुबोहा के अंतर्गत ग्राम सभा जरमऊ में प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान द्वारा कायाकल्प योजना के तहत कार्य को अधूरा छोड़ देने का मामला सामने आया है। कायाकल्प योजना के तहत शौचालय व आरसीसी रोड का निर्माण शुरू तो कराया गया, परंतु कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से तो की, परंतु कोई भी अधिकारी इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। जबकि प्रदेश सरकार ने तमाम सारी योजनाएं स्कूल के लिए दे रखी हैं और कह रही है कि धन की भी कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके प्राथमिक विद्यालय का शौचालय और सीसी रोड अधूरा पड़ा हुआ है। मंडल ब्यूरो रविन्द्र कुमार मिश्रा के साथ बाराबंकी से वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय जामऊ में इस समय इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत। मेरे विद्यालय में नवंबर 2019 से शौचालय का निर्माण कायाकल्प योजना के तहत कराया जा रहा था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा आरसीसी रोड का निर्माण किया गया है, बाउंड्री निर्माण किया गया है, लेकिन जो कि अद्यतन अपूर्ण है। मैंने इसकी सूचना कई बार अपने विभाग को, सक्षम अधिकारियों को, और इवन मैंने जामऊ में जो कार्यरत सेक्रेटरी हैं पंकज जी, मैंने उनको कई बार फोन पर भी बताया है, सारी समस्याओं से अवगत है। लेकिन हमारे विद्यालय की कायाकल्प योजना के तहत जो सूचनाएं हैं या जो कार्य होने हैं वो अभी तक अपूर्ण है। जो बम्बा आपके यहाँ खराब पड़ा है, उसमें अभी तक वो मोटर नहीं पड़ा हुआ है? नहीं सर, वहाँ मोटर पड़ा हुआ है, लेकिन वो इतना खराब क्वालिटी का डलाया गया है कि दो दिन भी पानी सही से नहीं है, जिसके लिए मैंने प्रधान जी को भी अवगत कराया और यहाँ के सेक्रेटरी जी को भी अवगत कराया है, लेकिन उनके द्वारा इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं। वहाँ पर कुछ बाउंड्री जो है वो अधूरी पड़ी हुई है, उसकी पुताई नहीं हुई है। सर पुताई क्या, एक्चुअली हमारे यहाँ कायाकल्प का काम चल रहा है, जब तक बाउंड्री निर्माण कम्प्लीट नहीं होगा, गेट नहीं लग जाएगा, तो पुताई कैसे संभव? जो ऐसे ही सारे कार्य पूरे होंगे, पुताई रंगाई और लिखाने का जो भी काम है तत्काल पूरा। जो आपके यहाँ शौचालय का मामला चल रहा है, ये कितने चल रहा है? सर ये इसकी नींव नवंबर 2019 में पड़ी थी, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए हमारे हमने सेक्रेटरी इवन पंकज जी को भी इस बारे में अवगत कराया, जो हमारे सेक्रेटरी जामऊ के हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया।